तो हमारे साथ कुछ पढ़ा लिखा युवा वर्ग है, बीटेक करे हुए एक सर है हमारे साथ। उनसे बात करेंगे कि कृषि कानून को लेकर उनकी समस्या क्या है, क्यों वो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इस कानून का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार की दलीलें थी कि ये कानून जो है ना समझ किसानों को समझ नहीं आ रहा है, तो पढ़े लिखे युवा वर्ग को तो किसानों के हित की बातें समझ आ गई होगी। चलिए बात करते हैं उनसे। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मैडम यश कौशिक है। कहाँ से आए सर? मैं बुलंदशहर से आया हूँ। और मैडम सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, द डेमोक्रेटिक वायर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि इस देश में आज की जो मीडिया है संपूर्ण रूप से बिक चुकी है। एक सोशल मीडिया ही बची है जो जनता की आंखें खोलने का काम कर रही है। इस देश में पहले चार स्तंभ हुआ करते थे देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, जिसमें से एक मीडिया का भी नाम आता था, लेकिन आज मीडिया संपूर्ण रूप से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अडानी, अंबानी के इशारों पर चलती है। धन्यवाद द डेमोक्रेटिक बायर का, जिन्होंने हमारी बात को आप लोगों के समक्ष रखा। मैडम सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे, सरकार बोल रही है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, तो सरकार को कान खोलकर ये सुन लेना चाहिए कि गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और दिल्ली के चारों तरफ जो किसान बैठा है, ये दूध पीता और घी खाता हुआ किसान है। आपको रोक कर मैं ये पूछना चाहूँगी कि सरकार कह रही थी कि जो बिल है वो किसानों के हित में है, बेचारा ना समझ किसान है, खेतों में किसानी करता है, उसे समझ नहीं है कि उसका फायदा और नुकसान किस में है। तो सबसे पहले आप एक युवा वर्ग से आते हैं, तो आप सबसे पहले इसी पर चर्चा करते हैं। जी मैडम मैं सब बताना चाहता हूं, अगर सरकार कह रही है कि ये लोग किसानों के हक में बिल है, तो ये आप भी देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, हर मीडिया चैनल पर ये चल रहा है कि दिल्ली के चारों ओर इतना किसान इकट्ठा क्यों हुआ। अगर ये 10-20 लोग, 1,000, 10,000, 5,000 लोग होते तो ये माना भी जाता कि किसानों के हित की बात है। कुछ जो चंद अपने फ़ायदे के लिए किसान हैं वो इसलिए विरोध कर रहे होंगे, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान का किसान केरल, तमिलनाडु, कन्याकुमारी से लेकर किसान दिल्ली मर आया है। क्या मोदी जी आपकी बात ही सब सत्य मान ली जाए? आपने तो बहुत बहुत बड़े जुमले दिए थे, 15 करोड़ से लेकर 15 लाख अकाउंटों में आएंगे, अब कितनी बात आपकी विश्वास की जाए? मोदी जी बोलते हैं कि नहीं आपकी ज़मीन हम नहीं लेंगे। मोदी जी आपकी बात पे तो विश्वास करने लायक नहीं है ही नहीं, क्योंकि आपने पहले ही इतने जुमले दे चुके हैं। आप ज़मीन की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले कानून की बात कर रहे हैं, तो मैं इसी पर आना चाहूँगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर मोदी सरकार के कई बड़े नेताओं के बयान सामने आए। उन्होंने ये कहा कि जी किसानों के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है कि उनकी ज़मीनें चली जाएंगी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, आप बताएं। जी मैडम बिल्कुल आपने सही पूछा कि किसानों के प्रति भ्रम फैलाया जा रहा है, तो मैडम किस चीज़ बात का भ्रम फैलाया जा रहा है? क्या MSP पर कानून जो लाए हैं ये भी भ्रम है? क्या किसान को ये व्यापारियों के नीचे बंधक बनाया जा रहा है ये भी भ्रम है? अंबानी अडानी के लिए आपके लिए कोई भ्रम नहीं है, उनके स्टोरेज प्लांट पहले ही बना दिए गए, वो भ्रम नहीं था किसान के लिए? आज देश में लाखों किसान सड़क पे बैठा है इस कड़कड़ाती ठंड में। मैडम आप टेम्परेचर देखिए, यहाँ का 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है दिल्ली का, और 90 से लेकर 100 साल तक की उम्र का किसान यहाँ बैठा है। मैडम ये भ्रम वाली बात जो है ये भाजपा के पुराने से पुराने एजेंडे में हमेशा से रही है। इन लोगों का काम रहा है जनता को गुमराह करना, उनमें टूट फूट की राजनीति डालना और इनके ऊपर राज करना, ये कोई नई बात नहीं है मैडम भ्रम की। अभी सर ने जो है अडानी और अंबानी की बात की कि उनको उनके लिए ये कानून लाए गए हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अभी हाल ही में रिलायंस ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दी, उसमें उन्होंने कहा कि हमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले बिजनेस को लेकर कोई भी प्लान नहीं है। पंजाब में जिस तरीके से जियो के जो टावर है उन्हें तहस नहस किया जा रहा है, उस पर तुरंत कार्यवाही की जाए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैडम जियो अडानी दोनों ही ग्रुपों के वेयर हाउस बन चुके हैं, कई राज्यों में इनका काम हो चुका है, बहुत पहले से ये हो गया है, ये कहना गलत है। मोदी जी बिल्कुल एकदम किसानों के कभी भी हितैषी नहीं रहे हैं। मोदी आप कह रहे हैं कि मोदी जी किसानों के हितैषी कभी नहीं रहे हैं, लेकिन मोदी जी को जिताने में एक बहुत बड़ा वर्ग जो सामने आया था वो किसानों का ही था, इस पर क्या कहें? किसानों को एक बरगलाया गया, बहुत अच्छी तरीके से मोदी जी ने किसानों को बरगलाया, आपके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, किसानों की आय दोगुनी होगी। 2014 से पहले हम जाएंगे, मोदी जी नहीं आए थे उससे पहले, हमारा जो धान का समर्थन मूल्य था, धान हमने 3500 से 4000 रुपए क्विंटल मंडियों में बेचा है। आज 2014 में
आज धान की 1200-1100 रुपए प्रति क्विंटल बेचने को किसान मजबूर है, और 2014 से पहले मोदी नहीं थे, 440 रुपए ट्यूबवेल का बिजली का बिल आता था हमारा, आज वो 2100 रुपए हम ट्यूबवेल का बिजली का बिल दे रहे हैं, आय दुगनी की क्या चौगुनी हमारी नीचे कर दिया। किसान के हर तरीके से परेशान है, किसान अपने बच्चों को अब पढ़ा नहीं सकता अच्छे मॉन्टेसरी में, हालत बहुत ख़राब है। पिछले 6 साल में किसान की आय दोगुनी के चक्कर में बहुत आदी हो चुकी है, किसान के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, इस पर क्या कहते हैं? अजी किसका विकास हुआ है? विकास तो आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। इनके विकास के चक्कर में जनता रोड पर आ गई, किसान रोड पर बैठा है, ये देख रही है यही विकास है। आप ले लीजिए कि मक्का की खेती सबसे ज़्यादा आपकी बार हुई, 600 700 800 रुपए क्विंटल तक मक्का बेची है किसानों ने। अब जब किसान के पास मक्का नहीं रही है तब इनने सेंटर खोल दिए, अब 1800 रुपए व्यापारी बेच रहे हैं। यही तो कानून है कि आप व्यापारियों का फायदा करने के लिए कर रहे हैं सब कुछ। सेंटर जब खुलवाने थे मक्का तोल के तब खुलवाए नहीं, किसानों के बच्चों की फीस के लिए पैसा चाहिए, बिजली का बिल भरने के लिए चाहिए, सारे जगह बच्चों को कैसे पढ़ाता है कैसे लिखाता है, रात को खेत में पानी लगाता है, सांप काट ले बिच्छू काट ले उसे किसी का डर दहशत नहीं है, आसमान ये बिजली वगैरह से कोई किसी से डर नहीं है किसान को। मैडम आप देख रहे हैं, ये मेरा कहना है कि योगी सरकार है, ठीक है, मेरा ये कहना है कि अगर माँ बहन की इज्जत लूट रहा है और उसको जला दे रहा है जिंदादारी, अगर मोदी के पास तो कोई माँ बहन है नहीं तो ऐसा क्यों करता है कि माँ बहन की इज्जत लूट है आप पुलिस वाले रात को मर जला देते, ये कितना गलत बात है। अगर मेरी माँ बहन है, अगर योगी के साथ तो कोई माँ बहन नहीं है, ऐसा क्यों करते? वो सरकार कैसी है? वो को सुधारनी चाहिए, अच्छे काम करनी चाहिए कि अपनी माँ बहन की खुद से इज्जत करे और दूसरे का भी इज्जत, उसके माँ बहन नहीं लग रहा है। इसीलिए MSP से MRP तक के सफर को आप बताइए। हाँ मैं बताऊंगा कि जिस तरह से सरकार बार बार कहती है कि MSP खत्म नहीं होगी, MSP खत्म नहीं होगी, हमारे यहाँ प्रैक्टिकल में धरातल पर यह है कि जब ये इनका कांटा लगता है तो इनका मार्केट इंस्पेक्टर होता है, जब गेहूँ तोलता है मक्का तोलता है तो वो पहले से तय कर लेता है कि 200 रुपये क्विंटल में तुम्हारे लगेंगे, किसान का किसी का नहीं लगता है, टोटल मतलब व्यापारियों का लगता है। ये बिल्कुल दिखावा है कि MSP किसानों से गल्ला लिया जा रहा है, मक्का लिया जा, एक गन्ना, एक किलो गेहूँ, एक किलो और ये मक्का, कोई भी चीज़ MSP पर नहीं खरीदी जाती है, व्यापारियों से ये खरीदते हैं, किसान रह जाता है। ये आप ये कह रहे हैं भाई साहब कि 20-20 किलोमीटर से आकर के नहीं लगता है, मैं ये कहता हूँ कि जहाँ कांटा लगा है, सरकारी कांटा लगा है, हम लोगों को हमारे घर में लगा है, हमारी मक्का नहीं ली गई, और 200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। अच्छा, कुछ का तो लग नहीं पाता, जिनका लगता है उनसे लिया नहीं जाता? नहीं, जिनका उन्हीं का लिया जाता है, जिन्होंने भंडारण कर खरीदा वो उनका जाता है, केवल व्यापारियों को खरीदा जाता है, इसके अलावा किसानों को नहीं खरीदा जाता। 6% सरकार कहती है कि हम किसानों को 6% MSP के अंतर्गत खरीदते हैं, कुछ नहीं खरीदा जाता है, सब व्यापारियों का। उत्तर प्रदेश का तो बहुत बुरा हाल है। अभी आपने भंडारण का जिक्र किया तो पहला कानून जो है वो भंडारण पर ही है, जमाखोरी पर ही है, तो सरकार ने कहा कि जमाखोरी पर इतना विवाद क्यों है, व्यापारी जमाखोरी करे करने दो, लेकिन किसान को भी हम जमाखोरी का अधिकार देते हैं, किसान भी जो है जितना चाहे उतना जमाखोरी कर ले, उतना भंडारण कर ले, और जब चाहे अपने हिसाब से अपने मुताबिक रेट को तय करके मार्केट में बेच सके, इस पर क्या कहते हैं? मैडम किसान इतना गरीब होता है, उसके बच्चों की पढ़ाई परवरिश के लिए वो अपना भंडारण नहीं कर सकता। अब इस कानून में एक ये जो काला कानून लाई है मोदी सरकार, व्यापारी कितना भी भंडारण कर ले, व्यापारी कितना भी भंडारण कर ले, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। मान लीजिएगा अगर एक छोटा किसान है, मध्यवर्गीय किसान, अपना भंडारण नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास भी बच्चों की पढ़ाई का, दवाई का, सारे चीज़ें इस खेती से ही वो बेचारा जोड़ पाता है, अब वो भंडार कर लेगा तो वो कैसे और बाहर की चीज़ों का खर्चा चलाएगा, इसलिए किसान भंडार नहीं कर सकता। इन्होंने व्यापारियों को कह दिया कि आप भंडार करिए और फिर अपना मुनाफे के साथ जितना चाहे उतना बेच लीजिएगा। मार्केट में हमारा गेहूँ 16 रुपये किलो बेचा खरीदा जाता है और वही आटा पंतजलि बाबा रामदेव आशीर्वाद 36 रुपये किलो उसे MRP में बेच रहे हैं, तो ये अंतर इसको सरकार और ज़्यादा ये कानून ला रही है कि हम इसका कुछ नहीं कर सकते। बाबा रामदेव का जिक्र किया है इन्होंने तो मैं बाबा रामदेव को लेकर क्वेश्चन करना चाहूँगी कि बाबा रामदेव साल 2012 के अन्ना आंदोलन में बड़े बढ़ चढ़कर सामने आए
थे, उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर खूब नारे दिए थे, आज भी वो जो है अपने प्रोडक्ट्स को लेकर स्वदेशी करते रहते हैं, तो इस पर आप क्या कहें? जी मैडम, पहले तो मैं आपकी बात को कहना चाहता हूँ, उस बाबा रामदेव को बाबा ही कहना गलत है, वो बाबा नहीं लाला है। जिस प्रकार से आप देखती हैं पतंजलि एक कंपनी छोटे से रूप में उभरी थी और आज उस पतंजलि का पानी बोतल जो चाहे आप एवरी प्रोडक्ट आप पतंजलि के अंदर आपको मिल सकता है। बाबा रामदेव की ये मंशा थी, भाजपा की सरकार केंद्र में आए, हमारा राज हो, हिंदुस्तान के अंदर पतंजलि का सामान बिके, ना तो उनको किसान की फिक्र है। ये जो कृषि कानून आया है ना मैडम, ये मेनली रूप से पतंजलि, अडानी अंबानी इनके लिए, इनके फ़ायदेमंद के लिए, क्योंकि किसानों का कोई फसल है अगर फसल गीली हो जाती है ये उसको कम पैसों में खरीद के पूरे मुनाफे में सुखा के अपने लिए यूज़ करेंगे पतंजलि वाले, और उसी प्रोडक्ट को जो यहाँ 5 रुपये किलो बिकता है उसी को 50 रुपये किलो बेच के मार्केट में उन किसानों को खरीदना पड़ेगा, राजी राजी नहीं गैर राजी उनको खरीदना पड़ेगा। मैडम आखिरी में मैं अपनी बात एक बात कह के ख़त्म करना चाहता हूँ, ये देश इंदिरा लाल बहादुर शास्त्री और राजीव गांधी का है, ये मोदी जैसा ऐसा तानाशाह हिटलर पहली बार इस देश को चलाने के लिए आए हैं, खैर इस देश की जनता ने जब इनको बिठाया है तो गिराना भी जानती है। एंड में मैं ये बात मैडम कहना चाहता हूँ, मोदी जी साहेब अगर आप में दम है तो हिंदुस्तान की GDP बढ़ा के दिखाइए, दाढ़ी तो हमारे हिंदुस्तान में डकैत भी बढ़ा लेते हैं। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। आपसे बस एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी, आपने अभी इंदिरा और इन सब नेताओं का जिक्र किया, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि किसानों के हालात तो 70 साल पहले भी बुरे थे, तब भी अच्छे नहीं थे, और आज 2014 में हमने 4,000 रुपए क्विंटल धान बेचा है मैडम, इनके आने पर 1,200 रुपये कुंटल बेचने को मजबूर हुए हैं किसान, हमारा खुद का 1,200 रुपये कुंटल खरीदा गया है, और 2014 से पीछे जाइए आप 3,500 से 4,000 रुपये कुंटल धान बेचा था। ये तो ये कहना गलत है कि 70 साल से किसान हमेशा परेशान रहा है, कोई भी सरकार रही हो किसानों के प्रति किसी की भी कोई सरकार अच्छी नहीं रही, ये मैं कहना चाहूँगा। लेकिन ये सरकार मोदी ने तो किसानों का दम निकाल दिया है पूरा 6 साल में।